हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी वंदना। सो आज मैं देने जा रही हूँ रिव्यू एंड लाइव डेमो चारकोल पील ऑफ मास्क का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और मेरी एक भी वीडियो आप सबसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास है ये चारकोल पील ऑफ मास्क। तो इसी तरह बहुत सारे चारकोल पील ऑफ मास्क आपको मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगी, सो वहां से फॉलो करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये चाइनीज कंपनी का पील ऑफ मास्क है, मोस्टली चाइनीज कंपनी के ही आते हैं। इस पर काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है जो कि चाइनीज लैंग्वेज में है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बट इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 130 ग्राम है एंड उसकी प्राइस जस्ट 62 रुपीज़ में है। सो ये मैंने मीशो ऐप से परचेज किया है, बट इस पर MRP प्रिंट नहीं है, बट ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिला है, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो गाइज, बट इट्स ए बैम्बू चारकोल ऑयल कंट्रोल वाइटनिंग एंटी ब्लैक हेड्स मास्क क्रीम है। सो ये बम्बू का बना हुआ चारकोल एंटी ब्लैक हेड बेस क्रीम मास्क क्रीम है। अगर आपके ऑयली स्किन है तो परफेक्ट है आपके लिए, एंड आपको ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है तो भी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि स्पेशली इसी के लिए है। लेकिन ये सिर्फ ब्लैक हेयर को ही नहीं रिमूव करता है, ये आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है। ये आपके स्किन में ग्लो लाता है एंड स्किन टाइटनिंग में भी हेल्पफुल है एंड स्किन लाइटनिंग में भी हेल्पफुल है। सो इसके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं। सो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करके देख सकते हैं एंड ये ऑल स्किन टाइप है, स्किन के लिए है। अगर आपके ड्राई स्किन है, नॉर्मल को कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली स्किन है, सो ये सभी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसे अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। सो अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव सी इसकी पैकेजिंग है लाइक दिस एंड इसकी प्राइस ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मेंशन है। अब इसे ओपन करके देखते हैं। सो इस तरह से ट्यूब फॉर्म में आता है, इसकी काफ़ी सारी क्वांटिटी दी है। 62 रुपीज़ में आपको 130 ग्राम क्वांटिटी मिल रही है। अगर आप मल्टीपल टाइम इसे यूज कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी दी हुई है। सो इस तरह से इसके कैप पे लीड लगी हुई है, सो इजली लॉक हो जाती है। सो इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, इजली आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं एंड ये किसी भी तरह से लीकेज नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद अपने हाथों पर लेंगे, इतना लेंगे कि हमारे पूरे फेस पे अप्लाई हो जाए एंड इसकी लेयर ज़्यादा थिक एंड थिन नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है। देन ए मैं अप्लाई करूँगी अपने फोरहेड से, इसे बहुत ज़्यादा थिक लेयर में अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो ड्राई नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा थिन भी अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये पील नहीं होगा। एंड मेक श्योर आई के पास आपको अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आपके ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ नोज पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करें। तो अंडर आई एरिया पर भी आपको बहुत केयरफुली अप्लाई करना है।
इस तरह से अपने पूरे फेस पे पीला मास्क को इजीली अप्लाई कर लेना है, एक थिक लेयर, बट इतना थिक लेयर कि पील करने में काफ़ी इजी हो, एंड अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। एंड ड्राई होने दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तो जब इसे ड्राई कर रहे हैं अप्लाई करने के बाद, तब आप ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि जब इसे अप्लाई करते हैं और जब ये ड्राई होता है तो हमारी स्किन को टाइटनिंग मिलती है, और अगर आप बात करेंगे तो रिंकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेक श्योर बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड इसको ड्राई होने देना है। एज यू कैन सी ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसे फोरहेड से अपवर्ड डायरेक्शन में पील करना है, लाइक दिस, एंड इजली पील हो जाता है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजली पील हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कितनी इजीली पील हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है मेरी स्किन में, स्किन ग्लोइंग लग रहा है, सारे डॉट्स रिमूव हो गया है, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो गया है। इसको अच्छी तरह से पील कर लेंगे। फिर उसके बाद अपना फेस वॉश कर लिया। एंड देख सकते हैं आप कितनी इजली पील हो गया, एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है मेरी स्किन में, मेरी स्किन ग्लोइंग लग रही है, एंड ब्लैक हेड भी नहीं दिख रहा है, मेरी स्किन कितनी क्लियर दिख रही है, एंड बहुत अच्छे से स्किन टाइट भी हो जाती है। सो फ्रेंड, ये मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आने वाली मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।